आ रहा है बच्चों। वैसे तो मैं पर्याप्त टाइम दे रहा हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन मैंने कल वीडियो देखी अपनी, तो मुझे एहसास हुआ कि और 2-4 मिनट दे करके क्लास को बढ़िया बनाया जा सकता, थोड़ा सा आराम से, चारों ऑप्शंस के मीनिंग बता करके, सेंटेंस का मीनिंग बता करके, और ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँच सकता। तो क्लास जो है हमारी आज की, वो 25 रहेगी, और ये क्लोज टेस्ट बच्चों की डिमांड के ऊपर एक ही स्लाइड पर बनाया जा रहा, ताकि बच्चे आराम से इसे वीडियो को पॉज करें, जो कि आपको करनी चाहिए, और इस स्क्रीन को सॉल्व करें। अब इस वीडियो को देखें, पॉज रोक करके आंसर लगा लिए होंगे आपने। अब हम बताते हैं आपको, वी हैव बीन ब्रॉट अप, हमारा पालन पोषण किया जाता है, या हम बड़े हो जाते हैं, और ब्लैंक इंसेक्ट्स, ये कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनमें छिपकली, मेंढक, सांप, टिड्डा, चींटी और भी बहुत सारे कीट पतंग के सब आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे तो ये भी मीनिंग बन सकता है ना कि प्यार करें हम इन्हें, ऐसी सोच के साथ पाला गया, मतलब हो सकता है सभी, हम डरें इससे, ये भी बन सकता, ख्याल रखें हम इनका, मारें हम इन्हें, तो मेरी नज़रों में तो चारों आंसर बन सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं चारों को ही आंसर मान करके कंफ्यूज होता, फिर मैं क्या करता, फिर मैं आगे बढ़ता, मैं आंसर नहीं लगाता इसका, अब मैं आगे बढ़ा। वी रिगार्ड देम एज अननेसेसरी क्रिएचर्स, थोड़ा बहुत इशारा मिलना शुरू हुआ, हम इन सभी को अनावश्यक पुराली समझते हैं, बेकार समझते हैं, दैट डू मोर हार्म, जो नुकसान ज़्यादा करते हैं अच्छा कम करते हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि प्यार करने की, ख्याल रखने की बात तो नहीं चल रही है, अब बात चल रही है दो, मारने की और डरने की। तो मीनिंग यहाँ ये बनेगा, हमें पालन पोषण देते समय, हमें पालते समय, या जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ये सिखाया जाता है कि इनसे डरो, इन कीट पतंगों से डरो, बचो, दूर रहो। हम इन्हें बेकार के प्राणी मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये नुकसान ज़्यादा करते हैं, अच्छा कम करते हैं, इसीलिए हम इनसे डरते हैं। मैन कंटिन्यूअली वेजेस वॉर, इंसान इनसे युद्ध लड़ता रहता है, इसका मतलब ये है इंसान इन्हें मौका देख करके मारता रहता है। कोमा दे कंटेमिनेट हिज फूड, अब बात आ रही है, इंसान इन्हें मारता रहता है, वो उसके खाने को कंटेमिनेट, खराब कर देते हैं, कैरी डिजीजेस, बीमारियां लाते हैं, और ब्लैंक हिज क्रॉप्स, उनकी फसलों को। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फोर लगाना है, क्योंकि यहाँ जो मीनिंग है वो क्योंकि का है, क्योंकि का मीनिंग बनेगा यहाँ पर, इंसान लगातार इनसे लड़ाई लड़ता रहता है, इनके खिलाफ रहता है, मौका देखते ही इन्हें मारना चाहता है, क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये उसके खाने को खराब कर देते हैं, जैसे चूहा है, छिपकली है, दीमक है, और इनसे बीमारियाँ आती हैं, जैसे मच्छर है, मक्खी हैं, और ब्लैंक जो टिड्डे होते हैं फसलों में। अब कल्टीवेट तो खेती करना होता, सब्जेक्ट बने हुए हैं कीड़े मकोड़े, जो भोजन को खराब कर रहे हैं, बीमारियां ला रहे हैं, तो खेती क्यों करेंगे ये? एनरेज होता, गुस्सा दिलाना हो सकता था, लेकिन क्रॉप्स को, फसलों को गुस्सा थोड़ी दिलवाएंगे। सो होता है बीज बोना, कोई आंसर बन जाएगा बच्चों चौथा। तो मीनिंग जाएगा हमारा कि ये जो है इंसान, इनसे हमेशा बचना चाहता है, मार देता है ना, क्योंकि ये इसका काफ़ी नुकसान करते हैं, खाना खराब कर देते हैं, बीमारियां पैदा कर देते हैं, फसलें खा जाते हैं उसकी, डिवार खाना, ईट चीव, निगल जाना। दे स्टिंग और बाइट विदाउट प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक बंदर है, वो पेड़ पे बैठा हुआ है, आप जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बंदर को अगर आपने छेड़ा, फिर वो आपके ऊपर अटैक करे, तो आपने छेड़ा है, वो प्रोवोकेशन है, यानी कि किसी को छेड़ना,
और बाद में वो रिएक्शन देगा आपको, लेकिन ये बिना प्रोवोकेशन के ही काट लेते हैं। दे ब्लैंक अनइनवाइटेड इनटू आवर रूम्स ऑन समर नाइट्स और बीट अगेंस्ट आवर लाइटेड विंडोज। तो ये बता रहे हैं कि ये जो हैं बिन बुलाए हमारे कमरों में, अब दौड़ते हुए आने के लिए इनके पास टांगे होनी चाहिए, जैसे चार टांगे जानवरों की या इंसान की दो टांगे, तब तो दौड़ सकते हैं ये, लेकिन ये रेंगते हैं या उड़ते हैं, दो काम कर सकते हैं ये। ये आंसर चौथा बनेगा, मतलब पहला बनेगा, ये नहीं होगा आंसर। वैसे दिमाग में आ सकता कि कमरे में आते हैं, लेकिन कमरे में आते हैं उड़ते हुए, ये मक्खी कीट पतंगे मच्छर इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे कमरों में बिन बुलाए आ जाते हैं गर्मियों की रातों को और काटते हैं हमारी जो विंडो हैं उन पे जो है, मतलब विंडो का मतलब यहाँ पे वो भी है जो लाइटें होती है ना, उनके आगे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी बोलना है, उन्हें परेशान करते हैं। वी लिव इन ड्रेड, हम डर में जीते हैं। नॉट ओनली ऑफ अनप्लीजेंट इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर्स और वेब्स, ये बोलना है हम इनसे डरते हैं, सिर्फ इनसे नहीं जो ये मकड़ी या कीट पतंगे होते हैं, बल्कि ऑफ ब्लैंक हार्मलेस वंस लाइक मॉथ्स, ये मॉथ्स जो होते हैं ये छोटे छोटे से टिड्डे वगैरह जो होते हैं उनको कहा जाता। अब इसका आंसर हम यहाँ से क्या लें, तो बच्चों ये क्वाइट तो चुप होता है, ये इसकी एडवर्ब है चुपके से, लेकिन हार्मलेस एडजेक्टिव, और जब भी कभी एडजेक्टिव से पहले आंसर लगाना हो करे तो आप ये लगाया करो, क्योंकि ये एडवर्ब होती है जो किसी एडजेक्टिव से पहले आकर के वेरी का मीनिंग देती, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं छोटे छोटे कीट पतंगों के रूप में। रीडिंग अबाउट देम इंक्रीजेज अवर अंडरस्टैंडिंग, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने से हमारी समझ अच्छी होती है, विदाउट डिसस्पेलिंग और डिस्पेलिंग ऑफ फियर्स, लेकिन हमारा डर ख़त्म नहीं होता, पढ़ते हैं नॉलेज बढ़ती है लेकिन डर ख़त्म नहीं होता इनसे हमारा। आंसर बन जाएगा बच्चों कौन सा इसका, चौथा। ये कोई शब्द ही नहीं है अंग्रेजी में, ये अपने आप में एडवर्ब है तो ये दोबारा एडवर्ब थोड़ी बना लेगी, ये होती है लेकिन कोई जगह शांत है इंसान चुप है एडजेक्टिव, चुपके से काम कर रहा है चुपके से खेल रहा है शोर नहीं मचा रहा, तो ये आएगा। और वेरी के मीनिंग में जब भी आपको लगा करे कि एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले आंसर लगाना, तो ये काम करता और ये वेरी की तरह हल्का सा मीनिंग देता। यहाँ पे आर था हल्का सा छूट गया। तो ये बोल रहा है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए टिट फॉर टैट सिचुएशन, अगर तुम जैसे को तैसे की स्थिति की बात कर रहे हो तो तुम क्या बात कर रहे हो, तो तुम बात कर रहे हो दूसरा ईडियम थी टिट फॉर टैट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है डूइंग हार्म नुकसान पहुंचाना, एज जैसा कि डन टू यू तुम्हारे साथ किया गया, तो जैसे को तैसा इसका मीनिंग बनता, आंसर दूसरा हो जाएगा। प्लास्टिक, तो बोलते हैं घर में लास्टिक डाल दो, तो लास्टिक जो है खींचोगे आप फिर छोड़ देंगे, तो लचीला है वो, लचीला के लिए क्या बन जाएगा सिनोनिम फ्लेक्सिबल। फ्री का मतलब स्वतंत्र होता है, आप इसमें फ्री आंसर नहीं लगा सकते, कभी दिमाग में आ रहा हो फ्री नहीं, लचीला कहीं कोई मोड़ लो वो है ना, वो अपने आप थोड़ी हो रहा है कोई, वो स्वतंत्र थोड़ी है, फ्लेक्सिबल। लिबरल होता है बच्चों उदार, अच्छा ये कौन सा उदार होता है, ये बच्चों वो उदार होता जो दूसरे के मत अपने मत से अलग होने के बावजूद उनके साथ रहता है, सहमत होता ठीक भाई ठीक बढ़िया, यानी कि उनकी सोच आपकी सोच से अलग है, लेकिन आप जानते हैं कि यार समाज है एक दूसरे की सोच अलग होती है, कोई बात नहीं मैं भी इनके साथ रह सकता हूँ, ये लिबरल हुए आप, उदार हुए काफ़ी, सॉफ्ट हार्टेड हैं आप। ब्रॉड का मतलब होता है बच्चों चौड़ा होना, चौड़ा विस्तृत होना, इसका तो सिनोनिम है हमारा वो वाइड बन जाएगा, और एंटोनिम बनाएंगे तो नैरो बन जाएगा। सातवें का आंसर तीसरा हो जाएगा। 20-point प्रोग्राम इज एम्ड एट, 20-point प्रोग्राम का उद्देश्य है क्या, उद्देश्य है अलिविएटिंग द सफरिंग ऑफ द पुअर, गरीबों की कष्टों को खत्म किया जाए कम किया जाए, सिनोनिम पूछते तो मिडगेट होता,
सिनोनिम पूछते तो अपीज भी होता, ये भी कम करना होता, दुख दर्द मुसीबत। लेकिन हमसे पूछा एंटोनिम तो हम लगाएंगे आंसर इसका पहला, एग्रेवेटिंग। इसका मतलब होता तीव्रता बढ़ाना, किसी के कष्टों को बढ़ा देना, परेशान था और ज़्यादा परेशान कर देना, बीमार था और ज़्यादा बीमारी बढ़ गई, एग्रेवेट हो गया। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी कि इसके लिए अगर सिनोनिम चाहिए आपको तो इसके लिए सिनोनिम ये भी बढ़िया होता मैक ऑफ विद, या एबोलिश भी बन जाएगा। चलिए अच्छा, वैसे एक बात पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे द पुअर्स हो सकता, जो बच्चे ग्रामर की नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि द पुअर ही अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें लगाया करो। पहला आंसर है इसका, ही इज स्पीकिंग इन सच ए सॉफ्ट वॉइस दैट ही वॉज नॉट ऑडिबल। इसका मतलब हल्के हल्के बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी दूसरे लोगों को उसकी। इवन टू द पीपल हु वर सिटिंग इन द फर्स्ट रो, यानी कि वो इतनी हल्के हल्के बोल रहा था, वो इतनी हल्के हल्के बोला, यहाँ तक कि तो सबसे आगे वाली लाइन में लोग बैठे हुए थे उसके करीब में, वो भी उसे नहीं सुन पा रहे थे, वो उसके लिए इनऑडिबल थे। देखो बच्चों, हेड के साथ स्पोक कोई मतलब ही नहीं बनता, स्पोकन होती तो सोचता मैं इस बारे में। जब हमें पता है कि वर सिटिंग बैठे हुए थे तो घटना जो है हमारी वो पास्ट में चली गई, तो बच्चों हैज बीन का कोई मतलब नहीं है, और जो दिया गया इज है वो भी कोई मतलब नहीं है। बच्चे मेरे पास में तीसरा और चौथा, अब इस सेंटेंस के मीनिंग को समझेंगे और देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट लिया जाए या पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूस लिया जाए, दोनों के चांस है, बाकी तो कट गए हमारे सारे के सारे। अब मैं दो बार बोलूंगा, दोनों बार सुन ले फिर मैं आंसर कन्फर्म कर दूंगा। मैं पहले बोल रहा हूँ तीसरे वाले से, वो इतनी हल्की आवाज में बोल रहा था कि उसे सुन नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि उसके आगे सबसे पहली रो में बैठे हुए लोग। दूसरा, वो इतनी हल्के से बोला कि वो सुनने लायक नहीं था और उसे लोग जो सामने बैठे हुए थे सुन नहीं पा रहे थे, जो सामने बैठे हुए थे। बच्चों मेरी नज़रों में जो सेंटेंस जाएगा वो सिंपल कॉन्टिन्यूस में जाएगा, क्योंकि यहाँ एक कहानी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सामने बैठे हुए भी नहीं सुन पा रहे थे, सुना या ऐसा होता हम सुन नहीं पाए फिर हम वहाँ से चले गए, लेकिन वो सामने बैठे हुए लोग भी नहीं सुन पा रहे थे, वो बोल रहा था हल्के हल्के। आंसर तीसरा होगा, महेश हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस हैज बीन प्रमोटेड। इतने मैंने ये पढ़ा, इतने आपको ये कर लेना चाहिए था। तो महेश जो जूनियर था, अब जूनियर था के बाद में क्या मामला है देख लो, मोस्ट अदर एम्प्लॉयज, कई सारे एम्प्लॉयज की तुलना में, तो बच्चों इन नहीं आएगा, टू आएगा, तुलना हो गई ना यहाँ पे। तो महेश जो जूनियर था कई सारे एम्प्लॉयज की तुलना में अपने ऑफिस में, हैज़ बीन प्रमोटेड, उसका प्रमोशन कर दिया गया, जबकि वो जूनियर था काफ़ी से, लेकिन उसका प्रमोशन कर दिया गया, टू लगाओ वहाँ पे, उनसे तुलना हो रही है अन्य एम्प्लॉयज से। ये मैं आपसे कहूँगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दें आप। देखो एक तो होता है टुक प्लेस, मैं एक वर्ब और दूंगा आपको अकर, ये भी ऐसी, और एक और दूंगा हैपन, तीनों का ध्यान रखना इनका, टेक प्लेस, अकर और हैपन, इनका मतलब होता है कोई घटना घटित होना, और ये पैसिव में नहीं बन सकते, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जो भी घटना होगी बस वो घटित हो गई, किस समय पर हुई, किस समय पर, ये इसका मतलब होता। तो बच्चों वाज के बाद में तो वैसे भी सेकंड फॉर्म गलत है, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन मैंने बता दिया इनका पैसिव नहीं बनता इसलिए गलत। डिड टुक, डिड बाहर, टुक गलत बात है, एक बार को टेक होता तो सोचते भी, लेकिन अभी तो ये गलत हो गई हमारी। तो एक तो वो जो दिया गया है वो बच रहा, एक विल हैव टेकन बच रहा, लेकिन विल हैव टेकन को खा जाएगा कौन, लास्ट सैटरडे, और लास्ट सैटरडे की जब बात चल रही है तो फ्यूचर थोड़ी आएगा, ये तो पास्ट आएगा, ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, इसमें कोई गलती नहीं थी। मीनिंग है शादी का प्रोग्राम इस बड़े से होटल में पिछले शनिवार को हुआ। एक बड़ी अजीब सी चीज़ आपको दिख रही होगी बोर्ड पर, आप अगर पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, पहले इसे नोट कर लेंगे आप, नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इसका पैसे नहीं बनता बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ये नाउन है, और ये क्या कर दिया इन्होंने,
ये क्या काम कर दिया इन्होंने आज कि सर नाउन से पहले एडवर्ब, ये तो पहली बार केस सुनना है, नोट कर लें चीज को आप। जब किसी नाउन पर जोर देने के लिए कि भाई इसी होटल में यही होटल है वो, दिस वेरी बॉय यही वो लड़का है, द वेरी गर्ल ये वही लड़की है, मतलब जब आप किसी नाउन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना चाहते हैं, इसी लड़का यही वो ऐसा करके, तो वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यहां ये एक तरीके से जोर देने वाला, एम्फेसिस करने के लिए इस्तेमाल किया गया एडजेक्टिव होता है। मेरा आंसर तो बच्चों नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। फाइंड आउट द प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ये हाई कोर्ट में पूछ रहे हैं बच्चों आजकल, टेंस पूछ रहे हैं कि कौन सा किस में है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट पूछ रहे हैं, तो ये हैज थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट है बच्चों, ये तो आंसर नहीं होगा। ये साफ साफ दिख रहा पास्ट इनडेफिनिट है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये साफ साफ दिख रहा है प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, तो सर ये क्या है, ये हैज अपने बाद में नाउन रखे हुए है, ऐसी स्थिति में ही तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है, इसमें डस्ट छुपा हुआ है, आंसर दूसरा हो जाएगा। टिक राइट और रॉन्ग हाई कोर्ट के लिए सवाल है। जुकीनी गलत बात है बच्चों, ये जुकीनी होती है तुरई, और जेड यू डबल सी एच आई एन आई होगा जुकीनी, नोट कर लें। असिस्टेंट गलत है, असिस्टेंट में जो स्पेलिंग होगी वो सिंगल एस आएगा, ये वाला जो लगा हुआ है। प्रोफेसर बढ़िया, फोटो सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल बनाना हो तो फोटो में एस आता, ई एस नहीं आता, फोटोज। फिर कॉलीफ्लावर की बात करेंगे तो गलत बात है, कॉलीफ्लावर में जो आएगा हमारा वो आएगा सी ए यू एल आई एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, ये गोभी होता है, चलिए गलत था ये। अब आते हैं प्रोफेशनल बढ़िया, मैंगोज में बच्चों ई एस आता है, और ध्यान रखें मैंगोज का प्लूरल ई एस लेता है, टोमेटो का प्लूरल, ये गलत है, आपको करना पड़ेगा ई एस, ऐसे करना पड़ेगा आपको पेटेटोज, ऐसे करना पड़ेगा आपको बच्चों टोमेटोज, मॉस्किटोज, इन चारों का ध्यान रखना। और साइड में देख लो आप जरा एक चीज और, फोटोज में एस आता और वीडियो में भी एस आता, बस एस, ये तरीके हैं, नोट करे जाओ आप। चलिए सिगरेट बढ़िया है, यही स्पेलिंग होती है इसकी। शी ब्लैंक डाउन हर नाइफ एंड फॉक एंड पुश्ड हर प्लेट अवे, तो कुछ ऐसा मीनिंग है कि उसने अपने चाकू और फॉक को, चाकू बच्चों देखता ही देखा होगा आपने, फॉक होता है जिसे चाउमीन वगैरह खाते हैं, नुकीला सा होता है वो, उसमें फंसा के खा लेते हैं भी चीज़ों को, चम्मच एक प्रकार का चम्मच होता है, फॉक बोलते हैं उसे, तो उसने अपना फॉक और चम्मच नीचे रख दिया और प्लेट को दूर कर दिया। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट के बाद में बच्चों ज़रा देख लें, ये सेकेंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है रखना, ये सेकेंड फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है लेटना, लेकिन अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसका मतलब भी रखना होता है, और ये थर्ड फॉर्म होती है, और ये सेकंड और थर्ड होती है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, इसका मतलब होता है लेटना। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें वो लड़की लेट गई या उसने चाकू रख दिया, रखने का केस है तो ये ख़त्म हो गया झूठ बोलना, ये तो दो वजह से ख़त्म हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म क्या करोगे आप इसका, गलत बात है और मीनिंग भी नहीं है। बच रहा है ये वाला और ये वाला, अगर रखने का मीनिंग करोगे तो फर्स्ट फॉर्म है, डज की कमी पड़ेगी, परेशानी पड़ जाएगी, घटना पास्ट में, सेकंड फॉर्म मानोगे तो लेटना बन जाएगा। अब यहाँ मैं एक बात कहूँगा आपसे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको वर्ब के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता होना ज़रूरी है, वर्ब के चैप्टर में कम से कम आपको एक हफ्ता गुजारना पड़ेगा तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने गुजारा है तो आपका आंसर ही सही हो गया होगा, सही भी नहीं हुआ होगा तो मेरे समझाने के बाद कुछ तो समझ में आया होगा, और आपने पहले पढ़ा ही नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इन सवालों को स्किप कर दिया करो, बाकी जो हो रहा है वो कर ले करो, इनकी टेंशन मत लिया करो, जो नहीं सीखा वो कैसे होगा, पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो, आंसर पहला हो गया। मैंने कहा था ना बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ क्लास को मैं, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत वीडियो बड़ी बन जाए लेकिन जहाँ वीडियो 20 मिनट की है 25 की हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए तो फ़ायदा है।
मैच द पेयर्स, ये हमने आपके लिए वन वर्ड का नया तरीका निकाला। और सुनो, हाई कोर्ट में आता है इस तरीके से, एक ही क्वेश्चन में चार पूछ लेते हैं, देखना पुराने वाले। मर्डर ऑफ ए किंग, बच्चों राजा की जो हत्या होती है वो तो होती है हमारी रेजिसाइड। मर्डर ऑफ सेल्फ, खुद की जो हत्या होती है वो होती है क्या? सुसाइड। मर्डर ऑफ ए रेस, पूरी जाति की जो हत्या होती है उसे बोलते हैं क्या? जीनोसाइड। मर्डर ऑफ ए हस्बैंड, इसे बोलते हैं मेरिटिसाइड। ये हो जाएगा हमारा डी। तो डी का आगे नंबर वन, सी का आगे नंबर दो, बी का आगे नंबर तीन, ए का आगे नंबर चार, आंसर हो गया हमारा दूसरा। चलिए, ये हमने हाई कोर्ट के क्वेश्चंस में पंक्चुएशन पूछ लिया आपसे, बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब इस सवाल के अंदर भी दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये है बच्चों, एक हाइफन होता है और एक डैश होता, तो ध्यान रखें हाइफन छोटा डैश बड़ा होता, एक बात। ये हाइफन है इस टाइम पे। अब ये ध्यान रखें, अगर ऐसे है तो इसका कोई पूछ ले क्या है, पूछ सकता है कोई भी है, हाई कोर्ट में पूछ सकते हैं, इसे रख देंगे और पूछेंगे बताओ उसका नाम क्या है, कॉलन होता है, कॉलन देखो ठीक है ना, जिसपे दोनों फुल स्टॉप जैसे होते हैं, और अगर ये नीचे वाला हमारा कॉमा हो जाए वो है, तो सेमी कॉलन, अब कॉलन सेमी कॉलन बन जाएगा, और ये तो आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क होता है। चलो ये तो हमने नाम पकड़ लिए इनके, कॉलन हाइफन सेमी कॉलन और क्वेश्चन मार्क। अब सवाल है, अमंडा लिव्स इन रसिया, अमंडा रसिया में रहती है जबकि उसका पति फ्रांस में रहता है। जब आपको ऐसा लगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और क्या हो सकते हैं, उसका भाई ईमानदार है जबकि वो बेईमान है, मेरे भाई को वेजिटेबल्स पसंद है जबकि उसे मांस पसंद है, ये दो बातें हैं, एक को ये दूसरे को वो, तो बीच में कंजक्शन ना लगा करके आप इस सेमी कॉलन से भी काम चला सकते हैं, आंसर दूसरा है इसका। या फिर एक काम हो सकता था, ये तो हमारी पंक्चुएशन लग गई, या एक काम कर लो, ये पंक्चुएशन हो गई, कंजक्शन चाहिए तो कंजक्शन के लिए यहाँ सबसे बढ़िया बनेगा एज, वेयर एज, जबकि, तो या तो कंजक्शन लगा लो बच्चों आप, या फिर एक काम कर लो ये आंसर लगा दो। तो यहाँ पे ये लगाने से कोई कंजक्शन की जरूरत नहीं होती, दो बातें इसके की जा सकती है। 16 का आंसर दूसरा। सम कंपनीज फॉलो का मतलब होता है बच्चों अनुपालन करना, फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, अपने दौलत का या अपनी बॉडी का भी दिखावा करना होता। फिलाउड नियमों का उल्लंघन करना, नियम ना मानना। फ्रॉन होता घुड़की देना जो बंदर देता। अब सम कंपनीज पता नहीं क्या है, नियम मान रहे नहीं मान रहे, चलो आगे बढ़ लेते हैं ना, अगर परेशानी हो रही तो आपको, जैसे ये रूल्स हैं, अगर आप मुझसे कहो चलो ये दोनों तो खत्म हो गए, लेकिन ये तो आ सकते हैं ना, पालन करना या उल्लंघन करना, कन्फ्यूजन है, आगे बढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय चिल्ड्रन एज यंग एज 7, 7 साल की उम्र के बच्चों को भी नौकरी पर रख रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम है बालिग होने के बाद में, वयस्क होने के बाद में बच्चों को काम पर रखा जा सकता है, उससे पहले नहीं, उसके भी बहुत सारे नियम हैं। तो बच्चों नियमों का उल्लंघन किया जा रहा, वो वर्ब है वो एम्प्लॉय, और बच्चों को 7 साल तक के किराए उस पर रखा जा रहा काम पे, तो गलत बात थी। एक्टिव पैसिव में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है, आपके लिए भी। जब हमें पता है कुड हैव है तो बीन चाहिए ना, बी गलत, हैव कहाँ गया, आंसर है दूसरा। ये क्या कर रखा है इन्होंने, ए चाइल्ड, ये क्या है सब, ये तीसरा आंसर है बच्चों, हिंदी सुन लो, ए चाइल्ड कुड नॉट हैव डन दिस मिस्टेक, एक बच्चा इस तरीके की मिस्चीफ, एक बच्चा इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकता, इस तरीके की बदतमीजी बच्चे के द्वारा नहीं की जा सकती है। अजीम सैड ऑ दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, अजीम ने कहा काश मैं बच्चा होता, काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊँ। ऐसा लग रहा है आपको जैसे ओ दैट, काश मैं बच्चा बन जाऊँ, जैसे मेरी इच्छा हो रही हो, एक्सक्लेम्ड, वंडर्ड, ये सब खत्म, इसका आंसर ये बनेगा। अजीम ने बड़े दिल से ये इच्छा जताई कि काश वो फिर से बच्चा बन जाए, आंसर हो गया तीसरा। देखो बच्चों ये तो पहला है ही, इन्होंने खुद ही बोल दिया, अब हमें ढूंढना है इसके बाद में। तो इन द प्रिवेलिंग, इन द प्रिवेलिंग ये आएगा एडवर्स कंडीशन इन द रीजन, हिंदी सुनो क्षेत्र में बनी हुई विपरीत परिस्थितियां, क्षेत्र में बनी हुई या क्षेत्र में चल रही
विपरीत परिस्थितियां, आंसर तो मेरा देखो दूसरा होने वाला है, अब डी पे जाऊंगा मैं, यानी कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं क्षेत्र में उसको लेकर। सार्क हैज स्ट्रगल्ड टू मेक, यानी कि इसके बाद डी आ गया, सार्क एक समूह है देशों का और इसने संघर्ष किया है, टू मेक अब यह आएगा डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में सार्क ने प्रयास किया है डेवलपमेंट विकास करने का और सहयोग देने का, इन सम कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ, सॉरी इसके बाद हमें जाना था बच्चों किस पे, वो गलत चला गया, मैं इस पे जाना था, मैं इस पे सम कंट्रीब्यूशन टू मेक सम कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ, अब आएंगे इसके ऊपर हम डेवलपमेंट। कहानी फिर से सुन लें, वर्तमान में विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितियों में सार्क ने यह प्रयास किया है कि वो थोड़ा बहुत योगदान दे दे इस प्रोसेस में कि साउथ एशिया में कोऑपरेशन बना रहे और डेवलपमेंट चलता रहे। आंसर दूसरा हो जाएगा, बाकी बातें कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। कल की छुट्टी मतलब एक दिन मैं रेस्ट लेता हूँ, परसों मिलेंगे आपसे।